हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ नीलम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में घरों में सीलन बढ़ जाती है और कॉकरोचों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है। इनके सबसे अधिक पनपने की जगह किचन और स्टोर रूम होती हैं। वैसे तो घर में कॉकरोचों का होना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि ये न केवल कई बीमारियों को लेकर आते हैं, गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। हालांकि कई लोग इनका घर से सफाया करने के लिए कई तरह के उपाय आजमाते हैं, जिनमें से कुछ का असर होता है और कुछ तो बिल्कुल ही बेअसर हो जाते हैं। आजकल तो इन्हें भगाने के लिए बाज़ार में भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इन केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। ख़ास तौर पर जिन घरों में छोटे बच्चे हों या पेट्स हों, उन्हें तो ये चीज़ें बिल्कुल सोच समझ कर ही प्रयोग में लानी चाहिए। ऐसे में इन केमिकल्स वाली चीज़ों की जगह हम अगर घरेलू नुस्खों को अपनाकर कॉकरोचों से छुटकारा पा लें, तो इससे बेहतर और क्या होगा। आइए जानते हैं कॉकरोचों को घर से दूर रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी, जिनसे आप इन कॉकरोचों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन कॉकरोचों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हम केरोसिन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। पानी में केरोसिन ऑयल डालकर उससे अपने घर में पोछा लगाएं। यही नहीं, जिन जगहों पर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, उन जगहों पर आप केरोसिन ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने पर घर से कॉकरोच दूर भाग जाते हैं और उन जगहों पर दोबारा अंडे नहीं देते हैं। तेजपत्ते की महक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी महक कॉकरोच को भगाने के लिए काफ़ी है। घर के जिस कोने में भी कॉकरोच हैं, वहाँ तेजपत्ते की कुछ पत्तियों को अच्छे से मसलकर बिखेर दें। ऐसा करने से कॉकरोच उस जगह से भाग जाएंगे। समय समय पर आप वहाँ से तेजपत्ते की पत्तियों को बदलते रहें, जिससे कॉकरोच इन जगहों से हमेशा के लिए दूर रहें। आमतौर पर लोग लौंग का इस्तेमाल खाने में जायके के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप घर से कॉकरोच भगाने के लिए भी कर सकते हैं। लौंग की खुशबू कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जिस वजह से वह इससे दूर रहते हैं। इसलिए आप अपने फ्रिज, किचन, अलमीरा, रैक और जहां पर भी कॉकरोचों के बिल हैं, वहां पर 4-5 लौंग रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में ही कॉकरोच वहाँ से भाग खड़े होंगे। बोरिक एसिड, आटा और चीनी समान मात्रा में लेकर गूंद लें और गोली बना लें। इससे आप ड्रायर, अलमारी, रैक, फ्रिज आदि के नीचे रखें। चीनी और आटा खाने के लालच में कॉकरोच वहाँ आएंगे और इसमें मिले बोरिक एसिड को खाकर मर जाएंगे। लेकिन इसके प्रयोग के समय भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। घर में अगर बच्चे या जानवर हैं तो उनकी पहुँच से इन्हें दूर रखें। अगर आपके किचन में सिंक, टेबल, फर्नीचर आदि में दरारें हैं, तो वहाँ पर वाइट सीमेंट या एमसील की मदद से तुरंत भर दें। इन जगहों पर कॉकरोच छिपते हैं और अंडे देते हैं। घर में जिन जगहों पर कॉकरोच ने अपना डेरा जमा रखा है, वहाँ बोरिक पाउडर का छिड़काव कर दें। निश्चित रूप से वहाँ से कॉकरोच भाग जाएंगे और दोबारा घर में नहीं आएंगे। लेकिन जिस कमरे में इसका प्रयोग किया गया है, उस कमरे का दरवाज़ा बंद रखें। ऐसा करने से बच्चे या पालतू जानवर यहाँ नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पानी के निकास वाली सभी जगहों पर जाली लगी होनी चाहिए। फल सब्जी के छिलकों को ज़्यादा समय तक घर में ना रहने दें। कॉकरोचों की संख्या बढ़ने से पहले ही उस पर ध्यान दें और उनको भगाने का उपाय स्टार्ट कर दें। स्प्रे करने के दौरान अपनी त्वचा को ढककर रखें। तो इन कुछ घरेलू उपायों से आप कॉकरोचों को अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।